इस मौजू के तहत हम आपके सामने अहले जन्नत की यानी जन्नतियों की इशरत वाली ज़िंदगी का तस्करा कर रहे हैं जिसमें आपके सामने ये बात आई कि जन्नत वालों का जन्नत में नहायत ही पुरजोश इस्तबाल होगा और जन्नत वाले जन्नत में किस तरह से रहेंगे उन्हें खाना किस तरीके से दिया जाएगा उनके पीने के लिए मशरूब किस तरह से होंगे ये सारी बातें आपके सामने गुजत मुलाकात में आई आज की मुलाकात में हम आपके सामने सबसे पहली बात जो जिक्र करना चाहते हैं वो अहले जन्नत की औरतें यानी अल्लाह तबारक जन्नत में जन्नत वालों को औरतें अता फ़रमाएंगे इसकी क्या तफसील हदीसों में आई है क़ुरान में आई है वो हम आपके सामने जिक्र करना चाहते हैं से पहली बात तो यह है कि जन्नत में कोई शख्स बगैर शादी के नहीं रहेगा यानी जन्नत में हर शख्स की बीवियाँ होंगी चाहे कोई बचपन में यानी कम उम्र में बगैर शादी के इंतकाल कर जाए और चाहे कोई शादी होकर के इंतकाल कर जाए हर आदमी के पास जन्नत में बीवियाँ होंगी दूसरी बात यह है कि हर जन्नती का आदम अलैहिस्सलाम की जिन से दो औरतों से शादी जन्नत में होगा इसी तरीके से खातून जन्नत जो होंगी जन्नत की जो औरतें होंगी ये नहायत ही खूबसूरत होंगी ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत होंगी और इतनी हसन जमील होंगी कि अल्लाह के नबी आसलाम की हदीसें जो हम अभी पेश फरमाएँगे कि जिससे पता चलता है कि उनके खूबसूरती की वजह से उनके जिसम से हड्डियों का गदा तक नज़र आएगा इसी तरीके से खातून जन्नत एक साथ सत्तर सत्तर जोड़े जेबतन करेंगी चुनान की सारी बातें अल्लाह के नबी आलाम के हदीसों में आई हैं मैं अल्लाह के नबी सला ने फरमायामर इमिनैतान नबी आलोलाम फ़रमाते हैं कि हर आदमी को दो बीवियाँ मिलेंगी हर आदमी की दो बीवियाँ ये आदम की औलाद में से जन्नत में रहेंगी अब वैद खत अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के नबीम ने फरमायातानी अला हर बीवी पर सत्तर सत्तर जोड़े होंगे यानी आदमी कोई खातून एक जोड़ा कपड़ा पहनती है लेकिन जन्नत की औरतें एक एक साथ सत्तर सत्तर खूबसूरत खूबसूरत जोड़े पहनेंगी अल्लाह के नबी आसलातल फ़रमाते हैं यूरा मुख शाकिरा हा यानी बाहर से ही उनके पैर के अंदर का गोदा तक नज़र आएगा ये इतनी सफ़ेद और इतनी खूबसूरत होंगी इसी तरीके से अल्लाह के नबी सलाम फ़रमाते हैं इमाम मुस्लिम रही ने किताबुल जन्ना में बाबू सफ़त नईम फरमाते हैं नबी आलाम के सरीस को कि माफिल जन्नत आज़ब जन्नत में कोई आदमी बिन ब्याह नहीं होगा कोई बगैर शादी के नहीं होगा हर आदमी की हर जन्नती की जन्नत में बीवियाँ होंगी और ये दो दो बीवियाँ होंगी और ये बीवियाँ नहायत ही खूबसूरत होंगी नहायत ही हसिनो जमील होंगी अल्लाहन कसीर रमत फ़रमाते हैं फ़ल मुराद मिनत आदम व मिन मा मिनलहनी माशा अल्लाह अज्जा वजल्लावा हाफि कसीर रहतल फ़रमाते हैं कि इन हदीसों से मुराद ये है कि हर आदमी की दो बीवियाँ आदम सलाम के औलाद से होंगी ये जो दुनिया की औरतें हैं उनमें से हर आदमी की दो दो बीवियाँ होंगी और इनके साथ हुर इन उनको मिलेंगी यानी दो बीवियाँ तो होंगी ही होंगी इसके अलावा हुर इन अल्लाह अता फ़रमाएगा जिसका तस्करा अगले पॉइंट में आ रहा है अल्लाह ताला जितना चाहेगा हरे अता फ़रमाएगा कह रहे यही ज़ाहिर हो रहा है नहाया में जिन नंबर दो सफ़ा नंबर तीन सौ उन्यासी में हाफी कसी रहमत ने इस चीज़ को आज़े फरमाया है इसी तरीके से जन्नती ख़वातीन को जन्नती औरतों को अल्लाह तबार व तआला नए सिरे से पैदा फरमा करके उन्हें कुंवारी हालत में जन्नत में दाखिल करेंगे और वो अपने शौहरों के हम उम्र होंगी यानी जन्नती जो औरतें होंगी ये दुनिया की जो औरतें जो इंतकाल कर जाती हैं अल्लाह ताला उन्हें नए सिरे से पैदा करेंगे और सब को अल्लाह तबारक कुंवारी हालत में जन्नत में दाखिल करेंगे कोई औरत गरज बूढ़ी होकर के इंतकाल की हो लेकिन जन्नत में वो कुंवारी होकर के और कुंवारी हालत में नौजवान लड़की की शक्ल में जन्नत में दाखिल होगी और जन्नत की औरतें अपने शौहरों की हम उम्र होंगी यानी ना तो उनसे बहुत बड़ी और ना तो उनसे छोटी उनकी हम उम्र होंगी अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह वाकिया में आयत नंबर पैंतीस से लेकर छत्तीस सैंतीस अड़तीस तक इ ना उन्ना फ़जाल उन्ना अब यमीन हमने उनको नए सिरे से पैदा फरमाया है और हमने उनको कुंवारी बनाया है और हमने उनको अपने शोरों को चाहने वाली और उनकी हम उम बनाया है ये असाब यमीन के लिए है जिनका नाम है अमाल दाहिने में दे जाए उनके लिए इन्हें जन्नतियों के लिए है तो अल्लाह ताला सारी औरतों को नए सिरे से पैदा फरमाएंगे कुंवारी हालत में जन्नत में दाखिल करेंगे और अल्लाह ताला उनको अपने शोहरों का हम उम बनाएँगे और ये जो है अपने शोहरों से मोहब्बत करने वाले होंगी इसी तरीके से जन्नती औरतें तमाम ज़ाहरी आलाइशों और तमाम ज़ाहरी गंदगी से बिल्कुल बरी होंगी और पाक होंगी तमाम ज़ाहरी आलाइशों और तमाम बातनी आलाइशों यानि बातनी जो गंदगियाँ हैं खराबियाँ उनसे भी और जो ज़ाहरी खराबियाँ और गंदगियाँ उनसे भी ज़ाहरी आलाइशों यानी गंदगियाँ जैसे हैज़ नफाश ज़ाहरी गंदगियाँ हैं और जिससे आदमी घिन महसूस करता है तो जन्नती औरतों को हैज़ और नफाश नहीं आएगा हैज़ का खून नहीं आएगा इसी तरीके से बातनी आलाइश है यानी कीना कपट गुस्सा इसी तरीके से जो है क्या नाम है हसद वगैरह इनसे भी पाक होंगी अल्लाह तबार को ताल ने फरमाया वलहुम फीहा अज़वाज मुतहरत वहुम फीहा वह सूरह बकरा आयत नंबर पच्चीस में कि उनके लिए पाक की हुई औरतें होंगी उनके लिए पाक की हुई बीवियाँ होंगी जो हर तरह से पाकबाज होंगी ना उनको हैज़ आएगा ना उनको कोई खून आएगा और ना जन्नत में किसी को पेशाब पैखाने की ज़रूरत महसूस होगी और ना उनके अंदर गु़स्सा होगा ना की ना कपट दुश्मनी होगी हर किस्म की आलाइश से जन्नती औरतें पाक साफ होंगी इसी तरीके से जन्नती ख़वातीन ये इतनी कीमती हैं इतनी कीमती हैं कि जन्नती ख़वातीन का जो दुपट्टा है और जो अपने सर पर औरतें ओढ़ती हैं जिनको दुपट्टा कहा जाता है खिमार कहा जाता है ये दुनिया की सारी चीज़ों से कीमती और सारी चीज़ों से बेहतर है इसी तरीके से जन्नती खातून अगर एक दफ़ा दुनिया में झांक ले तो मशरक़ से लेकर के मग़रब तक सारी जगह रोशन हो जाए और खुशबू से भर जाए इतनी खूबसूरत और इतनी खुशबू वाली और इतनी कीमती जन्नती औरतें और जन्नती खातिन होंगी अल्लाह के नबी सरमायात जन्नलात मिनम अगर जन्नत की औरतों में से एक औरत ज़मीन में झांक करके देख ले तो ज़मीन के अंदर मौजूद सारी चीज़ों को रोशन कर दे वलमअला आत्मा बई नुमा रिहा और सबको खुशबू से भर दे वल नसीफ़ हुआ अला राफ़ी और उनके सर पर जो दुपट्टा होगा वो दुपट्टा दुनिया और दुनिया में मौजूद सारी चीज़ों से कीमती होगा इमाम बुखारी रिमोल्ल्ला ने इस अदीस को दो हज़ार सात सौ छियानबे नंबर पर ज़िक्र फ़रमाए हैं इसी तरीके से जन्नत में जिसके मुतद शोहर वफ़ात होने की वजह से होंगे कभी कभार ऐसा होता है कि एक औरत की शादी किसी से हुई और जो है क्या नाम है उस शौहर का इंतकाल हो गया उस औरत ने दूसरे से शादी की उसका भी इंतकाल हो गया तीसरे से शादी की इस तरह से एक औरत के कई कई शोहर हो जाते हैं तो जन्नत में ये औरत किस शोहर के साथ रहेगी इसके दुनिया में कई शोहर हो गए तो जन्नत में ये औरत किस शोहर के साथ रहेगी तो इस तल्लु से नबीसम के हदीस से पता चलता है कि अपनी मर्जी से जिसके साथ चाहेगी वो जन्नत में रहेगी यानी खुद वो जिसको चाहेगी मुंतब कर लेगी चुनाच में सलमान रजी अल्लामाती हैं कि मैंने कहा के रसूल सल्लास अलमरत मन्ना जवजैन वालरबा हम में से औरतें दो दो तीन तीन चार चार शोहरों से या मर्दों से शादी करती हैं इंतकाल होने के बाद तो फतहो और वो मर जाती है औरत जन्नत में दाखिल होगी और इसी तरीके से वो उसके शहर भी जन्नत में दाखिल होंगे तो अल्लाह के नबीत वाम या औरत किस शहर के साथ जन्नत में रहेगी तो अल्लाह के नबी ने फ़रमाया या सलमा सलमा उमा तो खैरू अल्लाह ताला उसको इख्तियार देंगे कि ये तुम्हारे चार चार शौहर दुनिया में थे तुम इनमें से जिसको चाहो पसंद कर लो और उसके साथ तुम जन्नत में रहो तो वो औरत उस शौहर को इख्तियार करेगी जिसका तहमुल दुनिया में उसके साथ अच्छा था जो उसके साथ अखलाक के साथ पेश आता था औरत उसको इख्तियार कर लेगी फतक़ुल याब तो कहेगी अल्लाह तहसन खुलका फीदार दुनिया फजनी है अल्लाह ये मेरा शोहर जो है दुनिया में मेरे साथ बहुत अखलाक से पेश आता था मेरे साथ बहुत अच्छा रहता था तो तुम मेरी इससे शादी करा दे या सलमा जहाँ बसनों की बेखैर दुनिया वाल आखिर अय उमसमा अच्छा अखलाक ये दुनिया और आख़ की भलाई को ले गया नक़ीर रहमतल्ला ने जनहाया जल नंबर दो तीन सौ सतासी सफ़ापुरमाया है तो कहने का मतलब यह है कि जिसके कई शौहर होंगे दुनिया में वो उसको इख्तियार दिया जाएगा और वो जिसमें से जिसको चाहेगी अख्तियार करेगी इसके अलावा दुनिया की अगर बीवी अगर है तो अहले जन्नत के साथ रहेगी यानी जिसकी बीवियां नेक हैं और वो जन्नत में गई है तो वो जन्नत में अपने शौहर के साथ रहेंगे जैसे की बात हुई अल्लाह तरमाया व जन्नत अद नीत खलून व मनसल हम अबाहीम व आजबाजी सूरह आज आयत नंबर तेईस में कि जन्नत अदन में ये नेक लोग मतकी लोग दाखिल होंगे और जो इनके बाप दादा में से इनकी औलाद में से और इनकी बीवियों में से जो भी नेक है वो सब उनके साथ जन्नत में रहेंगे तो जो जन्नत में जाएंगे उनकी बीवियाँ उनके साथ रहेंगी ये अल्लाह तआला ने बयान फरमाया है इस तरह से हमें पता चला कि जन्नत में हर आदमी के पास हर जन्नत के पास दो दो औरतें आदम के की से होंगी और जिससे उनकी जन्नत में शादी होगी इसके अलावा जन्नत में अल्लाह तबार को जन्नतियों को हूरें अता फरमाएंगे हूरें ये भी औरतों की कि एक किस्म है लेकिन ये हूरें ये वो औरतें हैं जो जन्नतियों के लिए मखसूस तौर से पैदा की गई हैं ये आदमी सलाम की से नहीं होंगी ये जन्नत में मखसूस तौर से जन्नत की नियमत के तौर पैदा की गई हैं अल्लाह तबारक तौर करीम ने मतदीद जगहों पर बीवियों के अलावा हुरों का तस्करा फरमाया है कुरान में बीवियों का तस्करा आया है और हुरों का तस्करा आया है जिससे पता चलता है कि बीवियों के साथ साथ भी जन्नत में मिलेंगी चुनानचे इन हुरों में की तफसी क्या है इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि जन्नत की दूसरी नमतों की तरह एक नेमत जन्नत की हो रहे हैं जैसे जन्नत में खाना ये मिलेगा पानी मिलेगा ये साय के लिए ये फला ये फला महल्ला सारे जो है ऐसे जन्नत की हो रहे हैं जो जन्नतियों को मिलेंगी जो बड़ी बड़ी सुरमगी आंखों वाली होंगी बड़ी बड़ी आँखें ये खूबसूरती की लामत होती है और आँख अगर सुरमगी हो तो भी खूबसूरती की लामत होगी तो ये हुरें बड़ी बड़ी सुरमगी आँखों वाली होंगी मोती की तरह साफ शफाफ होंगी हुर याकूत और मरजान की तरह रंगत में सुर्ख होंगी हुरें हसन व जमाल के साथ इफत और हवा में बेमिसाल होंगी ये हूरें भी जन्नत को मिलेंगी अल्लाह तौन फरमाया फ़ी हन् न लम लमियत मित्न न वला जान

किसी की तरफ नज़र उठाने वाली नहीं होंगी उनको कभी किसी जिन्नात ने या कभी किसी इंसान ने छुआ भी नहीं होगा अय जन्नतों और इंसानों तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे ये हुरे जैसे कि याकूत और मरजान हीरे और जवाहरात की तरह से चमक रहे होंगी अल्लाह सूरह वाकया में आयत नंबर बाईस और तेईस और चौबीस में फरमाया वहर काम सालमखनू व जज़ा अम्बिमा का नाम हुर इन होंगी बड़ी बड़ी आँखों वाली सुरमिली होरे होंगी जैसे छिपाई हुई मोती हूँ मोती एक तो वैसे चमकने वाली चीज़ और वैसे खूबसूरत चीज़ फिर उसको कपड़े में लपेट कर रखा जाए तो उसकी चमक और जो है ज़्यादा महफूज होती है तो जैसे कोई मोती छिपा दी जाए कपड़े में निकाला जाए तो कैसे चमकती है ऐसे यह हूरें मोती की तरह से चमक रही होंगी ये बदला है जो वो दुनिया में आमाल अंजाम देते थे ये हरें जन्नतियों को मिलेंगी और इन हुरों से जन्नतियों की शादी होगी जन्नतियों का निकाह होगा चुरान इन हुरों से बाकायदा निकाह होगा अल्लाह तबारा ने सूरह ताहा आयत नंबर बीस में फरमाया, फरमायान हम जन्नत में उनकी शादी हुर ईन से कर देंगे तो अल्लाह ताला ने यहाँ हुर ईन से शादी करने की बात कही है कि हम जन्नतियों की शादी हुर ईन से कर देंगे चुनान पता चला कि हरों से बाकायदा जन्नतियों की शादी होगी जन्नती हौरें हो मोतियों के ख़ीमों में होंगी जिन्हें कभी किसी जिन्नात या इंसान ने हाथ नहीं लगाया होगा हौर फिल उनफिल हूरें हो होंगी जो खीमों में मकसूर होंगी मशसूर होंगी फभी अलाब कुमत कर तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नियमत को झुटलाओगे लमयत मिस हन् न इन सुन कब लह जान उनको कभी किसी सान ने न किसी जिन्नात ने कभी नहीं छुआ होगा तो ये हूरें बिल्कुल महफूज होंगी कोई आदमी ये बर्दाश्त नहीं करता है कि उसकी औरत को कोई हाथ लगाए या कोई आदमी ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता है जिसको किसी मर्द ने हाथ लगाया हो तो यह हुर बिल्कुल महफूज होंगी कभी किसी जिन्नात ने इंसान ने उनको हाथ नहीं लगाया होगा इसी तरीके से ये हुर जन्नत में अपने शोहरों के एजाज में तराना गुनगुनाएंगी इन्हें अशार पढ़ेंगी गज़ल पढ़ेंगी के नबी सला फरमाते हैं इनहुर फिल जन्नत याकुल् नहनसान खुब इन अज्वा जिन के राम हम जम है अल्लाह के नमाते हैं कि हुर इन जन्नत में गुनगुनाएँगी अशार पढ़ेंगी क्या पढ़ेंगी कि हम खूबसूरत हूरें हैं जो छिपा कर रखी गई हैं नहाय ही बाइजत शोहरों के लिए इसी तरीके से हूरें इतनी हया वाली होंगी कि अपने शोहर के अलावा किसी दूसरे की तरफ आँख उठा कर भी नहीं देखेंगी ये हो रहा है सिर्फ अपने शहरों को देखेंगी जिन जन्नतियों के लिए इनको पैदा किया गया उसको देखेंगी अल्लाह ने फरमाया व इन दहुम का सिरातरफ अपनी निगाह को सिर्फ शोहर पर रखेंगी वो औरत बहुत अच्छी मानी जाती है और उस औरत से शोहर बहुत मोहब्बत करता है जो सिर्फ़ अपने शोहर से मोहब्बत करती हो शोहर यही चाहता है मेरी बीवी से मुझको देखें मुझसे मोहब्बत करे तो यह हुरें सिर्फ अपने शहरों से मोहब्बत करने वाले होंगी सुर साफात आयत नंबर अड़तालीस में इसी तरीके से अल्लाह तबारक इन हूरों के बारे में फरमाया ये हूरें नहायत ही खूबसूरत होंगी छिपाए मोती की तरह से होंगी हूर हुरुन काम साल मखनून मखनू शुर आयत नंबर बाईस 23 बड़ी बड़ी आंखों हो रही होंगी जो छिपाए हुए मोती की तरह से होंगी इसी तरीके से अहले ईमान के लिए ये होरें अभी से नामजद की जा चुकी यानी जन्नत की हुरें किसकी कितनी हो रहे हैं और किसको कितनी मिलेंगे और ये होर किसकी है अभी से उनकी तयन हो चुकी है अभी से वो नामजद की जा चुकी हैं कि ये फ़लाँ एक, एक आदमी है ये जन्नत में जाने वाला है जन्नत में जाने के बाद इसको फ़लाँ और मिलेगी तो अल्लाह के नबी साम फरमाते हैं बिन रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सला ने फरमाया ला तुजी ज़ौजहा जब भी कोई बीवी अपने शौहर को तकलीफ़ देती है इल्ला ज़ौजतुहु मिनल मगर उस वक्त फौरन हूरुल हौर में से उसकी बीवी कहती है जब भी कोई बीवी दुनिया में अपने शोहर को तकलीफ़ देती है कभी साखसूस कहती है कभी ज़बर करती है कभी उसको तकलीफ देती है तो फ़ौरन हूरुल हुर जो जन्नत की है जिससे उसकी शादी होगी और जिसको अल्लाह ताला ने उसके लिए पैदा किया है तो फ़ौरन कहती है, ला तुजी ए उसको तकलीफ़ ना दे का अल्लाह तुझे हलाक करे बर्बाद करे फ़ाइनमा हुआ इंद का दखील वो तुम्हारे पास चंद दिनों के लिए है औ अवशिक फ़ारक की अलैना वो तुम्हें छोड़ कर हमारे पास आ जाएगा दुनिया में तुम उसको तकलीफ मत दो मरने के बाद वो जन्नत में आएगा और जन्नत में हमारे साथ रहेगा इसी तरीके से बुरैदा रजी अल्लाह से रिवायत है कि नबी सलासल्लम फरमाते हैं दखल जन्नत फस्त तकबलत नारिया तुल मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो एक लड़की मेरे सामने आई फकुल तुलती तो मैंने कहा तू किसके लिए है तो अल्लाह के नबी सुनाते हैं कि उस औरत ने कहा कि मैं जैद इम हारसा की हूं और ज़ैद इम हारसा की मैं बीवी हूँ ये जन्नत में नबीलाम ने, ने उस हर को देख करके जब पूछा इससे पता यह चलता है कि जन्नतियों की हुरें नामज़द हो चुकी हैं अल्लाह ताला जानता है कि कौन जन्नत में दाखिल होगा कौन जो है किस तरह से दर्ज के मुस्तक होगा उसी हिसाब से अल्लाह ने सब के लिए हूरें पैदा फरमाई है इसी तरीके से जन्ति बीवियों और हुर इन से जिनसी लज्जत के लिए अहिल जन्नत की नशात में बेानतहा इजाफ़ा होगा अब एक मर्द के पास बहत्तर बीवियाँ हैं सत्तर हूरे हैं कम से कम और दो बीवियां हैं उनसे जिनसी लजत हासिल करने के लिए उनसे अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए उनसे मज़ा लेने के लिए अल्लाह तबारक वाली जन्नति को ताकत भी खूब फरमा देगा उनको ख़ूब ज़्यादा अल्लाह तक फरमा देगा चुनान चाहिए आप सुन चुके हैं कि अल्लाह है तबारक ताल जन्त को औरतें और जो है बीवियाँ अता फ़रमाएगा और इस इतबार से उनसे लजत हासिल करने के लिए अल्लाह ताक़त भी देगा अब रजी अल्लाह तवायत तो है कि अल्लाह के नबीला उसम से कहा गया जन्नत में अपनी बीवियों से जमा करेंगे जन्नत में जो बीवियाँ होंगी तो क्या उनसे हम मिस्त्री करेंगे उनसे हम तल्लुत क़ायम करेंगे अल्लाह के नबी सला ने फरमाया कि एक आदमी एक दिन में सौ सौ जो है औरतों से जमा करने की ताक़त रखेगा ये अल्लाह तबा तला से अता फरमाएगा तो सौ सौ औरतों से रोजाना जमा करने की ताकत अल्लाह तबा तला जन्नत में अता फ़रमाएगा सर सल्लत हदीस सिया में हदीस नंबर तीन सौ सड़सठ में शेख अलबानी रही ने इसको जिक्र फरमाया है इसी तरीके से तिरविजी की रिवायत करदा हदीस दो हज़ार पाँच सौ छत्तीस में है किलमोमिनुफ

तो जैसे उसको दो बीवियां और सत्तर हैं बहत्तर बहत्तर औरतें कम से कम एक जन्नति को मिलेंगी तो इन औरतों से लजत हासिल करने के लिए जिनसी लजत हासिल करने के लिए और इन औरतों से जो है तल्लत क़ायम करने के लिए अल्लाह तबार को तला उसी तरह से एक जन्नति को ताकत भी अता फ़रमा देगा लिहाजा एक जन्नती एक एक दिन में सौ सौ औरतों से जमा और हम बिस्तरी करने की ताकत अल्लाह ती से अता फ़रमा देगा इसी तरीके से नबी बि नहमदी कि उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लम की, फिल अक्ली वा 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 की जान है इन फ़िलअली व शुरबी वजिमा व शाहवती कि उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है तुम में से एक जन्नती हर जन्नती सौ आदमी की ताकत दिया जाएगा खाने में भी पीने में भी और शहवत ख्वाहिश होने में भी और हम बिस््री करने में भी सौ सौ आदमी की ताकत के बराबर आदमी खाना खाएगा सौ सौ आदमी के बराबर पानी पिएगा मशरूब पिएगा सौ सौ आदमी के बराबर उसको शहवत होगी और सौ सौ आदमी के बराबर वो अपनी बीवियों से हम बिस्तरी करेगा इसी तरीके से अल्लाह ताला ने फरमाया नाबल जन्नत योम फ़ी शुगुल फ़ाके हून यानी सूर्य यासीन में आयत नंबर पचपन में कि आज के दिन जन्नती मजा करने में मशगूल है इन्ना अल जन्नत यौमा फ़ी शगल्फा के हन आज के दिन जनती तो मजा करने में लजत हासिल करने में और पैश करने में बिल्कुल मशगूल है इसकी तफसर मसूद अपनी बीवियों से लज्जत हासिल करने में मशगूल होंगे चुनाचे आप देखिए तफसर तबरी और मस्कूर आय की तफसर में इन मुफसरी के अकवाल को नकल किया है तो इस तरह से इनों से जन्नत लजत हासिल करेंगे और मजा करेंगे इशरत की ज़िंदगी गुजारेंगे एक झलक हुई नजरीन राम कि अल्लाह तबार को जन्नत में अहले जन्नत को जो औरतें अता फरमाएंगे और अहले जन्नत को जो हौरें अता फरमाएंगे तो खुलासा बातों का ये निकला कि अहले जन्नत को अल्लाह त औरत अबानात आदम यानी आदम सलाम की जिनसे अतः फरमाएंगे और होरे अता फरमाएंगे और इन होरों से औरतों से बाकायदा शादी होगी और होरे और होरे और औरतें इतनी खूबसूरत होंगी इतनी खूबसूरत होंगी कि जिसकी कोई मिसाल नहीं होगी इफ़त हया में भी, भी मिसाल होंगी और औरतें इतनी खूबसूरत होंगी कि इनका दुपट्टा ये एक जो है क्या नाम है दुनिया और दुनिया में मौजूद सारी चीज़ों से जो है क्या नाम है कीमती होगा और अल्लाह तबारक होरों से इन बीवियों से हम बिस्तरी करने के लिए वैसे ही जन्नतियों को ताकत भी अदा फरमा देंगे क़त भी अदा फरमा देंगे और वो एक दिन में सौ सौ मर्दों के जमा करने की ताक़त रखेंगे खाएंगे पिएंगे चमा करेंगे लज्जत हासिल करेंगे और हर किस्म के ऐशो इशरत में होंगे और बाकायदा वहाँ पर होंगे और इसी तरीके से ये बात भी कि जन्नतियों का नहायत ही महबूब जो मशगूला होगा जन्नत में और नहायत ही महबूब जिस चीज़ में मशगूल रहेंगे वह अपनी बीवियों से लज्जत हासिल करने मशगूल रहेंगे जिसमें सूर्य यासिन की आयत इन साबल जन्नत यौमा फ़ी शगल्फ़ा के होन कि आज के दिन जन्नत वाले नहायत ही मज़े